संपन्न हो गया है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार मिली है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत तेज हलचल चल रही है और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अब ये गाना गा रहे हैं कि हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, यानी कि अब उनका रुख उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर हो चला है और बहुत जल्दी यूपी के कई बड़े अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि ये भी साफ है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है और इस फेरबदल में सरकार के पंचम तल से लेकर फील्ड तक में आपको कई बड़े सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, नियुक्ति विभाग के एसीएस देवेश चतुर्वेदी, ये दो बड़े नाम भी दिल्ली जाने की रेस में शामिल हैं। लंबे समय से ये दोनों अधिकारी योगी शासन की रीढ़ रहे हैं, लेकिन इससे भी और महत्वपूर्ण खबर ये है कि दुर्गा शंकर मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्य सचिव हैं, उनका कार्यकाल इसी महीने 30 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दुर्गा शंकर मिश्रा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो 3 बार एक्सटेंशन पा चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की अब एक एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, वो अभी उन सब झंझटों से निपटेगी कि पहले इनको एक्सटेंशन से और विस्तार पर विचार करेगी, ये कई सारे सवाल ब्यूरोक्रेसी में इस समय शुरू हो गए हैं। जब बीजेपी के लिए चौंकाने वाला परिणाम आ गया तो ये साफ हो गया कि अब शासन की तस्वीर बदलनी तय है। दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार भी खत्म हो रहा है, वो आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, और ऊपर से एसपी गोयल का दिल्ली जाने के लिए एनओसी मिल जाना और देवेश चतुर्वेदी का नाम भी गुपचुप उसी में आना, ये बताता है कि ये अफसरशाही के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर है। खबर इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि एसपी गोयल पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण अफसर माने जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी की वो रीढ़ हैं। उनका प्रतिनियुक्ति पर जाना उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। वो एक ऐसे अफसर रहे हैं जो सबमिसिव माने जाते हैं, जो डिलीवरी देने में भी बेहतरीन रहे हैं और सरकार के प्रति उनकी वफादारी पर पिछले 7 सालों में कोई ना उंगली उठी ना कोई दाग लगा। तो ये दोनों अधिकारी यूपी में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं, इनके जाने के बाद इस जगह को भरेगा कौन? इन दोनों ने एनओसी ले ली है दिल्ली जाने के लिए, वो हो सकता है कि अगले महीने यानी जुलाई या अगस्त में वो चले जाएंगे, लेकिन इनकी जगहों की भरपाई कौन करेगा? बहुत मुश्किल से हो पाएगी, मुख्यमंत्री का कार्यालय चलाना इतना आसान नहीं होगा। अब ये सरकार को देखना है कि वो इन पर फैसला कब करती है। हालांकि दुर्गा शंकर मिश्रा अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण समय काट चुके हैं, 3-3 बार सेवा विस्तार पाने का उत्तर प्रदेश में वो इतिहास बना चुके हैं, 2.5 साल से वो रिटायर होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, फेरबदल, उठा पटक देखने को मिलेगी। वैसे रिटायरमेंट के बाद जो लोग घर नहीं जाते, सेवा विस्तार लेते हैं, वो दूसरों का हक मारते हैं। जो लोग इसी ब्यूरोक्रेसी में बैठकर बहुत उच्च कोट की और आदर्शवादी बातें करते हैं, वो अपने लिए सरकारों के सामने हाथ फैलाकर सेवा विस्तार मांगते हैं। वहाँ पर उनके आदर्श, वसूल, सिद्धांत सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जीवन भर उनकी आदत तमाम लाव लश्कर की रहती है, प्रोटोकॉल की रहती है, पद की रहती है, नौकर चाकर की रहती है, और उस मोह को वो शायद मरते दम तक भी नहीं छोड़ पाते होंगे। रिटायरमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है, रिटायरमेंट के बाद भी कितने दिन लोग जीवित रहते हैं, और जो लोग इस तरह के सुविधा भोगी होते हैं उनका बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से कटता है, रिटायरमेंट के बाद उनका उनके जीवन में बड़े कष्ट आते हैं। अब ये लेकिन अफसर टू अफसर डिपेंड करता है, सब पर ये बात लागू नहीं होती है। कुछ लोग तो नौकरी से पहले भी आरएस ले लेते हैं कि भैया हमें मुक्त करो, हम स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं, हमने जीवन में जो कमाया धमाया
बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर बनवाया, अब हम उसका आनंद लेना चाहते हैं। चाहत तो अनंत है, लालच अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, और कुछ लोग इस ब्यूरोक्रेसी में उसी परंपरा से जीते आ रहे हैं।